जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को सूचना मिली कि एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने एक हिंदू समुदाय की किशोरी को बंधक बनाकर उसको अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस बात की सूचना जैसे ही हिंदू समाज के संगठन को मिली तो कई संगठन सड़क पर उतर आए और उन्होंने मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की तथा जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मामला माधोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले शादाब नाम के युवक ने शौच के लिए गई एक किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर रेप किया। जब किशोरी किसी तरीके से उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची तो उसने बदहवास हालत में आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। इस बात की सूचना जैसे कई हिंदू संगठनों को पता चली तो कई संगठनों के पदाधिकारियों ने कस्बे में नारेबाजी कर आरोपी शादाब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। मामले को गंभीरता से बात का मामला बताइए। हम डेटिंग गए थे, 27 तारीख दिन रविवार था और रात के करीब 10 बजे था और हमारे सामने कस्तूरबा गांधी स्कूल है, वहीं पे हम गए थे। फिर क्या हुआ? फिर ये शादाब पीछे से आके हमारा मुंह पकड़ लिया, दुपट्टे से मुंह बांध दिया और मेरे हाथ बांध दिए, उठा के अपने कमरे में ले गए जो खाली पड़ा था, वहाँ पे रहता नहीं था। और फिर हमें कुर्सी में बांध दिया, कुर्सी में बांध के उसने ताला लगा दिया दरवाजे में, फिर हमारे कपड़े फाड़ दिए उसने, फिर हमारे साथ ऐसा ऐसा उसने किया जैसे आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। कितने लोगों पे आरोप है? कौन कौन लोग थे वो लोग? वो केवल अकेले ही था, महिला थी, उसके एक परिचित युवक ने उसको झांसा दे करके यहाँ नौकरी कराने के बहाने उसको लेके आया और यहाँ पे रह रहा था साहब कॉलेज क्षेत्र में। वो उसने आज एक शिकायत की है कि उसने उसका यौन शोषण किया है, उसको झांसा दे करके। पूरे तथ्य की जांच महिला एसओ इंस्पेक्टर को दी गई है और जांच के बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।